मछली जल की गर्लफ्रेंड है, जीवन उसका, नहीं नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली याद करता हूं। जॉनी जॉनी यस अंकल, ईटिंग मुर्गी यस अंकल, जॉनी जॉनी यस पप्पू। भैया प्लीज प्लीज, भैया प्लीज मुझे पहाड़े याद करने दो ना, मुझे वैसे ही पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मैं अभी तो पेम याद करनी है। तो मन मन में करो ना आप अपने। सात एकम सात, सात दूनी बारह, शाबाश ये आए, सात दूनी चौदह। एक तो वैसे किसी काम के नहीं हो, ये नया काम कौन सा सीखने की कोशिश में हो रहे हो भाई? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताना ही चाहता था मैडम, सुबह से ये लोग पता नहीं क्यों ये पोएम और पहाड़े याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्यों रे, प्रौढ़ शिक्षा अभियान के अभिनेता क्या, किसको सुनानी है गजलें, किसके आगे दोहे दोहराने हैं तेने, किसको फूल देके पंक्तियां सुनाएगा कविताओं की, और तू पहाड़े याद कर रहा है? अबे किसी दिन भूल के पहाड़ी से कूद क्यों ना जावे? एक्चुअली मैम बात ये है कि एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज्ड सर, ऐसा कौन सा मोमेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मतलब एकदम हृदय से आपके रोमांटिक गाना फूट रहा है और आप खुद तो लूज हो ही रहे हैं सबके सामने, हमारी और इमेज डाउन कर रहे हैं? अरे मछोड़ाला, आपने तो कहा था कि हमारी आवाज बहुत अच्छी है और हमें सिर्फ गुनगुनाना नहीं चाहिए बल्कि गाना भी चाहिए, इसलिए हम गा रहे थे। वो तो सर जब कहा था तब कहा था, और तब भी आपने सर कॉम्प्लीमेंट सुनते ही कतई पेल दिया था गाना। और पेलते रहेंगे गाना, हमने डिसाइड किया कि जब भी आपको मिलेंगे ना हम गाना गाते रहेंगे आपके लिए। अरे हाँ सर, सर वो वाला गाना गाइए ना, कमरिया पे बिच्छू काटेला, बेदर्दी सैया काजू बाटेला। देखा, एक मिनट का प्लेजेंट मूड इनसे बर्दाश्त ना होता है। वहीं शिफ्ट हो ले, लहंगा पहन ले। आ यार छिछोरगिरी के अलावा और कुछ ना आता तेने। उलगुले वो गाना था ना, हमें दे देना बाद में, हैं? अच्छा लग रहा है। और तुम्हारा क्या है, किस लिए इतना जो है रावणपुर विद्यापीठ स्कूल हो रहे हो? वेल मॉम, कल रात जी मुझे टीना मैडम मिली थी जी, उन्होंने मुझे कहा जी मैं पेम याद करके रखूं जी। और मुझे टोनी सर मिले थे, और मुझे तो कहा गया जी जब भी मैं उनके सामने आऊं मुझे पेम होनी चाहिए याद इसदा, वरना पीट पीट के मुझे कर देंगे वो बर्बाद इसदा, मुझे कल बहुत सूता जी उन्होंने। और मुझे भी ना टोनी सर ने मैडम वो पतली वाली सेंटी से बहुत मारा, मुझसे कहा कि पहाड़े याद करके आना, मैं ऑन द वे सुनूंगा के आज। अबे ये तो बहुत गलत हो रहा है बे, पहले ये दोनों आम जनता को अटैक करते थे, अब पुलिस वालों को भी अटैक करना शुरू कर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। क्यों मैं छुड़ा ला, किस एरिया में मिले दोनों? वो जी मेरे घर के पास जो सुनसान सी जगह ना जी, आज वहीं मिलेंगे, कल भी वहीं मिले थे, सेम पैलेस। हाँ, और मुझे बस वहीं से थोड़ी सी दूर पे। सर एक काम कीजिए, आप बिल्लू के साथ जाएंगे आज, ओके, और मैं गोपी के संग, ठीक है? तो मैं कहाँ जाऊंगा मैडम? उन्नाव, आज मुलाकात हो ही जाए टीना टोनी से। यो ये वो एरिया जहाँ टीना ने कही थी मिलेगी। या मॉम, यही है वो जगह जी, और उसने मुझे ये भी कहा था अगर मैं पैम याद करके नहीं आया तो मुझे बहुत सूटेगी जी, और मार मार के मुझे सुझा देगी। अबे बिल्लू, हम हैं ना, भरोसा है हम पर, हैं? हम वो गाड़ी दिख रही उसके पीछे छुपे, जैसा वो टोनी आएगा ना हम उसे पकड़ कर उसे मार मार कर उसकी जांग निकाल देंगे। बे पक्का पकड़ लेंगे ना सर, नहीं तो सर वो बहुत जोर से सेंटी मारते हैं सर, खाल उधेड़ देते हैं वो। ए, ए,
इतना पपलने की जरूरत ना है, खड़ी हूं ना मैं, छिपी हूं ना मैं, यहाँ हूं मैं। नहीं ए, रिलैक्स, मैं सीमेंट पिला दूंगी फिर। लीक नहीं एक्सप्रेशन, ठीक कर मुंह, ठीक कर। हम यहाँ है, डोंट वरी, ओके। गुनाह किया है मैंने, लेकिन मुझे गुनहगार बनाया किसने? इस समाज ने मुझे गुनहगार बनाया है। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। भाई साहब, ये टाइम क्या हुआ है? 9:30 हुए हैं। पौने नौ क्यों नहीं हुए? होता है कई बार, 9:45 नहीं होते, 9:30 हो जाते हैं। आज कुछ ज्यादा अंधेरा सा नहीं लग रहा इस टाइम में? हाँ अंधेरा तो है, अंधेरा भी बड़ा उजाला उजाला सा लग रहा है ना। कई बार जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, इसलिए उजाला उजाला लगता है। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिकड़िया मोड़। अच्छा ये बताओ यार, तुम बाल कहाँ से कटवाते हो? सैलून। सैलून में? बार्बर पास क्यों नहीं जाते? ठीक है फिर कभी मिलो शाम को, हैं? दो दो। क्या है वो सब? नहीं वो मिल गया था, बस थोड़ी बातचीत शुरू हुई पर बात लंबी खिंच गई थोड़ी सी। ऐसा है तो खींच ले, मैं जा रही हूँ घर। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। नहीं जब इतनी ही है, जब इतनी ही है तो क्यों इतना टाइम वेस्ट? जो काम करने आया वो करना यार। करते करते सर लगता नहीं है आज वो आएंगे। अरे कौन है बे? सर ये चीटिंग है सर। साते गम साथ, साथ दुनी अच्छा। जॉनी, यस फूफा, मीटिंग भजिया, नो मामा। हाँ, सात का पहाड़ा सुनाओ। सात एकम सात, सात दुनी अठारह, सात दुनी अठारह नहीं, सात एकम सात, सात दुनी सैतालीस, कितने? सैतालीस। आप बोलो, मछली जल की गर्लफ्रेंड है। मछली चल की गर्लफ्रेंड नहीं है, मछली चल की आंटी है। क्या कर रहा है यार गोपी? गोपी मेरे दोस्त इस तरह रोते नहीं है यार। टीना मैडम का हंटर तुझे पढ़ता ना, फिर तेरी समझ में आता। सर आप बिल्कुल रिलैक्स में चल रहे हैं, मारी तो समझ में नहीं आ रहा है सर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस केस, कुछ गंभीर लग ना रहा मन ने। नहीं मैं सर इस लौंडे को देख के इसके पीछे भगली थी, मन ने लगा यो ही होगा टानी सर, पर आप किस खुशी में जो है बिल्लू का साथ छोड़ दिए? क्योंकि हमें इस लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। आप टोनी समझ के भाग गए ना, हम टीना समझ के भाग गए, हमें लगा टीना की आवाज है। इसी चक्कर में हम दोनों पिट गए, जबकि मैंने पेम बिल्कुल सही सुनाई थी। पोयम या दिस वन संटी से पूरी छिल जाती है चमड़ी।
और तू पिंक पैंथरनी, अबे इतनी सुनसान रात में झाड़ियों में क्या कर रही थी तू? और है कौन तू? मैं चंट हूँ मम्मी की कसम। नी चंट है तू, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर हो रहा बताओ, एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर। पर वहाँ कौन सा चंट पना दिखा रही थी वो पूछ रही हूँ मैं वहाँ पे तूफान के आने का इंतजार कर रही थी। ओ, आप तो वेदर ब्यूरो के लिए काम करती है ना, आपको कैसे पता तूफान कब आने वाला है? तूफान मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है और कल रात में मैं उसके साथ घर से भागने वाली थी कि उसकी जगह पे ये आ गया और मेरे हाथ से ना ज्वेलरी का बैग लेके भाग रहा था, ये भागा, मैं चीखी मम्मी की कसम। चीखी ना, बहुत जोर से चीखी। अब मिश्रा बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? औरत की आवाज सुनाई देगी तो हम तो जाएंगे ना। सही सर, यू आर क्लीन सर। इसके घर का एड्रेस लिखवाओ और गोपी इसको जरा इसके माँ बाप के पास बाइज्जत छोड़ गया। ओह यार, ये लो अपनी अमानत। अबे ये लेके जा रहे, ये लो, प्लीज फॉलो हर। लाना जरा, ज्यादा होशियार हो रहा है, ज्यादा होशियार हो रहा है। गोलू नाली से अंदर। चौटाला सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, पूरे शहर में टोनी और टीना की दहशत फैल रही है पर आप कुछ भी नहीं कर रही। दहशत तो दीदी की भी फैल रही है, आपने क्या कर लिया? चुप कराओ इसे, चुप करवाओ। सर आप ही का माल है, हम क्या करें? I'm sorry. It's okay. कोई नहीं सर, वैसे एक छोटी सी चूक हो गई सर हमसे, वरना वो दोनों सलाखों के पीछे होते। मिस चौटाला, बात की नजाकत। मैं सैल्यूट करना भूल गया था यार, जो करना हो घर पे कर लिया कर, आने से पहले। हाँ मिस चौटाला, मैं कह रहा था कि बात की नजाकत को समझिए। आई जी साहब की भतीजी को उन लोगों ने पाठ पढ़ाया है और आई जी साहब ने मुझसे कहा है कि अगर आपने उनको 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। विश्वास रखिए सर, 24 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों हमारी हिरासत में होंगे, क्योंकि आज रात मैं खुद जाऊंगी, वो भी अकेले, टीना और टोनी को पकड़ने। यार हमारी ड्यूटी कतई थैंकलेस चल रही है, बताओ स्टूडेंट बन के यहाँ से वहां घूम रही हूँ, ठंड भी अलग बढ़ती जा रही है, टीना टोनी क्यों ना दिख रहे अब तक यार? मछली जल की बिल्ली है, जीवन उसका चिल्ली है। 8×2=18 और 8×3=15। मैडम हमें माफ कर दो, मैडम हमारी हेल्प कीजिए, ठंडा पानी उबल गया। मैडम हमें बताएं, आपके अलावा हमारी कोई और हेल्प नहीं करेगा। टीचर खेलेंगे। हेलो तानी सर और टीना मैडम, माय हार्टफेल्ट रिगार्ड्स टू बोथ ऑफ यू, पर इब जरा गला खकारो और खुल के बताओ कि मुफ्त की जो तुमने पढ़ाई की मुहिम चलाई है वो इस कलयुग में किस खुशी में चलाई है? देखिए क्या है कि जो भी बात है, दांत है या आंत है, वो खुल के बोल डालो और आप तो अपनी बंद जुल्फों को खोल डालो। खुली है। हाँ पूरी बात सुन लीजिए, अगर हमारी मैडम के दिमाग की कैंडी गुस्से के मारे क्रश हो गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, ठीक है, मेरा मतलब पीटू प्रियंका, मेरा मतलब बहुत ही गुस्से वाली है, समझिए आप। मैडम मैं टीना मच्छी, सूरत है अच्छी, ठंडा पानी उबल गया, हम दोनों के प्यार का झींगा लव की सुरमई मच्छी के साथ फ्राई होना चाहते थे पर ये हो ना सका। असल में मैडम बात यह है कि आए आए, ओह माय गॉड,
टीना मैडम सुनने आ गई मुझसे यहाँ कविता इज्दा, मेरी एक पड़ोस ने डाटा जिसका नाम है कौशिक इज्दा। प्रमोशन। टोनी टोनी सर भी आए हैं। टोनी सर, मैंने टोनी सर मैंने सारे पहाड़े याद कर लिए। मछली मछली जल की गर्लफ्रेंड है। अबे चुप, डरने की जरूरत ना है, अरेस्ट करके लाई हूँ इन्हें। ये दोनों टीचर्स अपने मुंह से एक बाले जुर्म करेंगे कि भैया ये क्यों इतना पढ़ाए ले रहे हैं। असल में मैडम बात ऐसी है कि हम लोग सोना मच्छी गांव के मछुआरे हैं और पूरे गांव में हम ही दोनों ऐसे हैं जो पढ़ लिख गए हैं, तो मैडम हमने सोचा कि हम लोग मिलके पूरे गांव को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे गर्दक झटक झटक के। आए, 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 आए। मतलब तुम्हारे कहने का यो है कि तुम अपने गांव के लोगों ने पढ़ा रहे हो, मतलब जिन लोगों को तुमने पकड़ पकड़ के पीट पीट का पढ़ाया है वो तुम्हारे ग्राम मेट सो रहे हैं। वो जो छोरा और छोरी थे वो भी तुम्हारे गाँव के हैं। यो दो हमारे अबलदार, ये भी तुम्हारे गाँव के हो रहे हैं के? नहीं नहीं मैडम, हम लोग तो ये इसलिए कर रहे थे कि हम आप तक पहुंच सके, ठंडा पानी उबल गया। अरे तो वो तो आप ऐसे भी आ सकते थे, उसमें क्या है? नहीं नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हम तो मर चुके हैं ना।